नमस्कार दोस्तों। तो अगर आज हम 7 सीटर कार के बारे में अगर आज हम बात करते हैं तो जिसमें से बहुत सी कार की चॉइस अवेलेबल है, जिसमें से महिंद्रा एक्सयूवी, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, महिंद्रा बोलेरो, टाटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा की थार, महिंद्रा की TUV 300, टाटा हेक्सा, ऐसी तमाम गाड़ियां अवेलेबल है मार्केट में जिसमें से आप चॉइस कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग मारुति आर्टिगा 2018 का जो न्यू लॉन्च होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, और हम लोग आज ये भी देखेंगे कि उस मारुति आर्टिगा ने कौन कौन से नए फीचर्स उसमें ऐड किए हैं या उसमें से क्या मॉडिफाई किया है, या हम लोग उसको क्यों परचेज करें, मारुति आर्टिगा में ऐसी क्या खासियत है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, इसकी और सारी फीचर्स को देखने से पहले, आइए देखते हैं अर्टिगा का ऑफिशियल वीडियो जो इन्होंने लॉन्च किया था इंडोनेशिया से। इसलिए ये इसकी जो लैंग्वेज है वो भाषा लैंग्वेज में है, लेकिन इसका वीडियो और पिक्चराइजेशन बहुत ही अच्छा है। तो आइए एंजॉय करते हैं। It's wider, it's bigger. Mempersembahkan mobil pilihan keluarga terbaru dari Suzuki, all new Ertiga. Gear together. Disertai desain headlamps terbaru yang lebih terang dan aman, grill baru yang lebih elegan, serta fog lamps yang mengubah penampilan all new R3 secara menyeluruh. Lekukan bodi samping juga berubah dengan garis yang lebih tegas. Disertai kaca samping modern, velg berdesain baru, serta handle pintu chrome berikan kesan elegan. All new R3 sudah dilengkapi dengan lampu belakang LED berdesain modern. Ditambah high mount stop lamp agar lebih aman. Sensor parkir 2 titik dan smart entry yang berikan kemudahan. Juga kapasitas bagasi yang lebih luas. All new R3 kini disertai tombol start stop dengan meter cluster modern yang lengkap. Kemudi berdesain baru dengan ornamen kayu serta audio switch yang mudah diakses. Juga tilt steering. Desain dashboard elegan nan mewah. Diisi head unit touchscreen, power outlet, USB dan AUX yang menghasilkan suara luar biasa ke seluruh kabin yang kini semakin lapang dan nyaman. Disertai lampu kabin di depan dan belakang, ventilated cup holder, tempat penyimpanan di berbagai sisi, dan power outlet di tengah. Kursi baris kedua dapat dilipat dan dilengkapi ISOFIX. Baris ketiga juga dapat dilipat untuk ruang yang lebih besar. All new R3 dibekali mesin baru yang lebih bertenaga dan irit dengan dua pilihan transmisi manual dan matic. All new R3 dilengkapi dengan teknologi keamanan terbaik seperti tech body, hard tech, electronic stability program, sistem pengereman ABS dan EBD, serta dual SRS airbag. Inilah urban MPV baru yang semakin premium dan semakin mengerti keluarga Anda. Inilah Suzuki All New R3 Gear Together. वीडियो तो काफी कमाल का लग रहा था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं मारुति अर्टिगा 2018 के एक्सटीरियर्स के बारे में, उसके परफॉर्मेंस के बारे में, फीचर्स के बारे में, और कौन कौन से कलर वेरिएंट अवेलेबल रहेंगे मारुति अर्टिगा न्यू मॉडल जो आने वाला, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इंटीरियर क्या है, सेफ्टी फीचर्स उसमें क्या ऐड हुए हैं या उसमें से कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स हैं, एसेसरीज, और ऑफ कोर्स उसके दाम क्या होगा और कब तक वो लॉन्च होगी। तो दोस्तों, ये जो 10 फीचर्स हैं ये हम लोग अपने इस वीडियो में आज देखेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सारे फीचर्स मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं उसके बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोग को आज बताने वाला हूँ। इसके लिए मैंने इस वीडियो को कुछ ब्रेक्स में, पार्ट्स में इनफैक्ट मैंने इसको तोड़ा है। तो आप अगर सारे पार्ट देखेंगे तो ऑफ कोर्स आप इन सारे 10 फीचर्स को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम है शैल और आप लोग देख रहे हैं YouTube का चैनल अवर ईब्रिज। दोस्तों, अगर हम लोग इसके एक्सटीरियर से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले नज़र जिस पे पड़ती है वो है इसका न्यू फ्रंट क्रोम ग्रिल डिज़ाइन।
दोस्तों इस ग्रिल डिजाइन से अगर हम लोग कंपेयर करें इसके पिछले मॉडल्स में या जो अभी मॉडल चल रहा है अर्टिगा का, तो ये ग्रिल डिजाइन बहुत ही ज्यादा सोबर और मेच्योर लगता है। ये बहुत ही स्टाइलिश है अगर हम इसके कंपैरिजन करें या आज की जो नई जनरेशन की जो व्हीकल्स आ रही हैं, जो कार आ रही हैं, उसके मुकाबले ये काफी ज्यादा दिखने में इसका लुक स्टाइल और जो इसकी मेच्योरिटी है वो काफी अच्छी लगती है। दूसरा फीचर अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो वो इन्होंने प्रोजेक्टर हेड लैंप्स इंक्लूड किया है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्टर हेड लैंप्स क्या होता है अगर हम लोग ये देखें तो आजकल के जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें कंपनी प्रिफर करती है प्रोजेक्टर लैंप्स को ही इंक्लूड करना। इसकी बहुत सी खूबियां होती हैं। इस प्रोजेक्टर लैंप्स को हम लोग पॉली एलिप्सॉइडल लैंप्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें एक फिलामेंट होता है जो कि लोकेट होता है एक फोकस पर, और उस फोकस पे जो भी लाइट आती है वो जाती है एलिप्सॉइडल रिफ्लेक्टर पे। ये कोनिकल कंडेंस लेंस होता है। तो दोस्तों क्या होता है, जब इसमें हम लोग का जो बल्ब होता है जब वो जलता है तो इस रिफ्लेक्टर के थ्रू वो रिफ्लेक्ट होकर जब लाइट बाहर जाती है तो वो इस लेंस पे पड़ती है, और इन दोनों के बीच में, लेंस और इस रिफ्लेक्टर के बीच में, एक शील्ड लगाई जाती है, और उस शील्ड का ऐसा एंगल वो बनाते हैं या इस तरीके से उसका एडजस्टमेंट होता है कि जब इससे लाइट निकले तो वो बहुत शार्प और दूर तक जाने वाली बीम निकले। तो ये फायदा होता है प्रोजेक्टर या पॉली एलिप्सॉइडल लैंप का। तो ये जो खूबियां हैं ये आजकल की नई गाड़ियों में ज्यादातर कंपनियां इसमें लगा रही हैं। तो अगर हम लोग अब अगला फीचर की बात करें तो वो है एलईडी रियर कॉम्बिनेशन लैंप्स विथ लाइट गाइड। आइए समझते हैं ये होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, जो बैक लाइट होती है उसमें ही ये लोग कंबाइन कर देते हैं इंडिकेटर्स को। इससे स्पेस के अलावा इसका लुक भी बहुत अच्छा बढ़ता है। स्पेस तो बचता ही है बट इसका लुक भी काफी अच्छा आता है। इसके अलावा जो इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी या ये जो टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको लाइट गाइड बोलते हैं, ये क्या होता है। सो दोस्तों लाइट गाइड बेसिकली क्या होता है, एक लाइट कर्टन होता है जो कि जब हम लोग लाइट जलाते हैं टेल लाइट स्पेसिफिकली, तो जो लाइट का जो इल्यूमिनेशन होता है, जो लाइट फैलती है वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस में फैले, ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करे, और वो बराबर से फैले, होमोजीनियसली फैले। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे टिपिकली अगर हम लोग पहले देखते थे कि जहां पे बल्ब जलता था केवल उसी एरिया में लाइट फैलती थी, लेकिन अगर उसके आसपास के एरिया को देखें तो लाइट वहां पे कंपैरेटिवली थोड़ा कम होती थी टेल लाइट में। लेकिन इस लाइट कर्टन की वजह से, इस लाइट गाइड्स की वजह से जो रोशनी है वो बराबर से फैलती है, ज्यादा से ज्यादा सरफेस को कवर करती है। तो ये जो फीचर है वो अभी टेल लाइट्स में ज्यादातर ऐड होने लगा है। और ये जो लाइट रियर कॉम्बिनेशन लैंप विद लाइट गाइड का फीचर है, ये इन्होंने अपने मॉडल GX से ही शुरू किया है। अगर हम लोग इसके पहले वाले मॉडल में बात करें तो GA, चाहे वो MT मॉडल हो मैनुअल ट्रांसमिशन, या GL के मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें, तो ये उनमें नहीं मौजूद है। ये GX के MT में भी है और AT में भी है, और हम लोग अगर GX ESP मॉडल की बात करते हैं तो उसके भी दोनों वेरिएंट में, MT और AT में। तो दोस्तों अगर हम लोग अगले फीचर की बात करते हैं, अगला जो एक्सटीरियर फीचर है वो है न्यू एलिगेंट अलॉय व्हील, जिसका साइज इन्होंने बताया है 165x65R15। सो जो अलॉय व्हील होता है, ऑफ कोर्स इसके बहुत से एडवांटेज होते हैं, जिसमें से एक तो यह है कि इसमें देखने में काफी अच्छा लगता है, इसका लुक भी काफी स्मार्ट आता है, तो बेटर लुक भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है अगर हम लोग कंपेयर करते हैं नॉर्मल स्टील व्हीकल से, स्टील व्हील से। इसके अलावा इसका जो दूसरा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि ये बेटर हीट कंडक्टर होता है। तो जो भी इसमें
हीट जनरेट होती है जब पहिया बहुत तेज घूमता है और जिसमें हीट जनरेट होती है, तो वो ईजली इससे पास हो जाती है। मतलब पहिया आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है कंपेरेटिवली विद स्टील व्हील से। ऑफ कोर्स इससे आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस भी बढ़ता है बिकॉज इसका जो वेट होता है वो भी काफ़ी कम होता है। सो अगर आपका व्हील का वेट कम होगा तो आपका बेटर फ्यूल इकोनॉमी भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपका बेटर ब्रेकिंग भी मिलता है। तो ये कुछ फीचर्स थे जिसकी वजह से आजकल कंपनियां प्रिफर करती हैं कि हम लोग अलॉय व्हील रखें। और इसके साथ ये इसका इसमें ख़राब होने के या जंग लगने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो ये एडवांटेज होता है अलॉय व्हील का। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों अगर इसमें इसने एडवांटेज है तो आपके पहिए का लाइफ भी बढ़ता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि क्योंकि ये जो अलॉय व्हील होता है इसमें पहिया कंपैरेटिवली ज़्यादा फिट बैठता है, तो ये परफेक्ट व्हील टाइप होता है अगर हम लोग ट्यूबलेस टायर के बारे में बात करें तो ट्यूबलेस टायर के लिए प्रेफर यही लोग करते हैं कि वो अलॉय व्हील हो। अदरवाइज स्टील व्हील में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बट इट्स गुड इफ़ यू हैव ए ट्यूबलेस टायर। डिसएडवांटेज अगर हम लोग देखें तो थोड़ा महंगा होता है और एक्सपेंसिव तो रहता ही, जिसकी वजह से एक वन ऑफ द बिग फैक्टर होता है कि ये कार की प्राइस बढ़ाता है। और महंगा है तो इसके चोरी होने के चांसेस भी अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो बढ़ते ही हैं। हालांकि इंडिया में मेरे को नहीं पता है कि कोई अलॉय व्हील भी चोरी करता है, बट कांट से एनीथिंग। दोस्तों अगर हम लोग अगले फीचर की बात करते हैं तो वो आता है फॉग लैंप्स भी। ये फॉग लैंप्स इन्होंने अपने वेरिएंट GX से शुरू किया है। इसके पहले वाले वेरिएंट में आपको ये नहीं मिलेगा। ये काफ़ी अच्छा फीचर रहता है, स्पेसिफिकली अगर आपके शहर में फॉग रहता है तो ये फॉग लैंप काफ़ी मदद करता है। अगला फीचर आता है स्मार्ट एंट्री GX फीचर से ही इन्होंने ये भी ऐड किया है। 2-point rear parking sensor। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, अगर छोटी गाड़ी है तो उसमें कार पार्किंग सेंसर अगर एक ही रहता है रियर में तो भी ठीक रहता है, आपको सफिशेंट दिख जाता है। लेकिन जब बड़ी गाड़ी होती है तो उसमें कम से कम 2 पार्किंग सेंसर होना काफ़ी अच्छा रहता है। जो ड्राइवर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा एरिया देखने को मिलता है जब वो गाड़ी को बैक कर रहा होता है। तो इस फीचर को देखते हुए आर्टिका ने 2-point रियर पार्किंग सेंसर भी इसमें इन्होंने लगाया है। इसके अलावा अगला फीचर जो है वो है LED हाई माउंट स्टॉप लैंप। तो बेसिकली ये जो गाड़ी के ऊपर अगर हम लोग देखें पीछे की तरफ तो एक LED एक लैंप लगाते हैं, तो जब भी कभी आप ब्रेक लगाते हैं तो वो लैंप जलता है। तो ये एक आपका एडेड एडवांटेज रहता है पीछे वाली गाड़ी का जो ड्राइवर रहता है उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए, वो तो तुरंत उसको लैंप अगर स्पेसिफिकली अगर ट्रक है या कोई ऐसी ऊंची गाड़ी है तो उसको देखने में काफ़ी सुविधा मिलती है अगर ये LED हाई माउंट स्टॉप लैंप लगा रहता है तो। इसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एंड फोल्डेबल मिरर विद टर्न सिग्नल लैंप भी इन्होंने दिया है। तो जो आपके साइड लैंप्स होते हैं या साइड मिरर्स होते हैं ये भी ऑटोमेटिकली फोल्ड कर सकते हैं, आपको दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल रहते हैं, आप अंदर से ही बैठे बैठे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसी के अंदर इन्होंने इंडिकेटर्स भी दिए हैं जिससे कि जो आपके साइड से जो भी गाड़ियां निकलती हैं उनको देखने में आसानी रहती है कि गाड़ी अब राइट मुड़ने वाली है कि नहीं। ये मॉडल भी और सॉरी ये फीचर भी इन्होंने GX वेरिएंट से ही शुरू किया है। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स थे, या मैं ऐसा कहूँ ये करीब 9 फीचर्स थे जो इस गाड़ी के एक्सटीरियर में अभी हम लोग देखने वाले हैं। कुछ फीचर्स इसमें से पहले भी हो सकते हैं बट ये कुछ फीचर्स थे जो अभी इन लोग ने हाईलाइट किए हैं अपनी आने वाली आर्टिगा 2018 मॉडल में। अगला फीचर हम लोग देखने वाले हैं परफॉर्मेंस का, और वो हम लोग अपने अगले वीडियो में
कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो और जो इसमें बताई गई जानकारियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी। आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बिकॉज अभी हम लोग काफ़ी सारे वीडियो डालने वाले हैं। अभी करीब 9 वीडियो हैं इसके फीचर्स के बारे में ही। उम्मीद करता हूँ 9 से थोड़े कम भी हो सकते हैं अगर मैं कई सारे फीचर्स को अगर ऐड कर देता हूँ। देखूँगा किस किस तरह की डिटेल मेरे को और नेट पे मिलती है। और तो आप बेल आइकन पे दबा करके आप नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आपको सारी डिटेल टाइम पे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अर्टिगा।